अब हमारी पेशेंस है कि हम कितनी देर यहाँ बैठे। मैंने एक साहब को भी बताया कि सर अगर सर पानी अगर ये पानी सबसे ऊपर चला गया तो यहाँ कोई बीस के लिए बात नहीं, हम साथ में भी जाएंगे दो बस करेंगे। अब डीसी साहब, लोकल डिविजनल कमिश्नर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो आके आश्वासन देंगे, एक दो दिन का टाइम देंगे तो हम वेट करेंगे उसका, अब तक हम वजन करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला आपको हमारा जो सही साल हुआ है उसके लिए प्रार्थना। बंटू जी शर्मा अमर रहे, अमर रहे। शहीद बंटू जी शर्मा अमर रहे, शहीद बंटू शर्मा अमर रहे। भारत माता की जय। वो पुलिस का ही था और ड्यूटी देते देते वो शहीद हो गया। पॉइंट में गवर्नमेंट करा सॉरी भाई करा भाई गवर्नमेंट। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे मेरा नाम सुनील पंडिता है। आज हमने जट्टी निवास में आज नेशनल हाईवे की तरफ मुंह किया, वो इसलिए कि हमारे जो मुहावरा रिलीफ अगस्त का वो बंद किया गया, जिसमें माननीय कोर्ट ने हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है, जो हेड अकाउंट है, बंद किया गया, और जिसमें मैं गुनाहगार मानता हूं जो लीगल सेल हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेल है कि जहां पर जहां जोहरा सिंह, क्या नाम है उसका, जोहरा सिंह क्या था, जोरावर सिंह और दूसरा विशाल भारती जो रिलीफ में लीगल सेल चलाते हैं, जो एडवोकेट है कि जिन्होंने जज को वक्त वक्त पर जो है सही सलाह नहीं दी है, सही जानकारी नहीं दी है, जबकि सुनने में ये आ गया वो तो आज के डेट में तक भी जो है कभी वो कोर्ट में नहीं। मतलब आप ये देख सकते हैं कि 26 को रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस माने कोर्ट से आई हुई है, लेकिन 2 तारीख तक उन्हें जो है जो उनकी जो वकील साहब थे उन्होंने तब तक भी जो है क्या उसको रिलीफ कमिश्नर साहब को नहीं बताया। मैं कहता हूँ शर्म की बात है और इसमें जज साहब को जो है प्रॉपर तरीके से एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि 80 लाख लोग हैं जो इस रिलीफ अकाउंट पर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग उन्हें हर समय जो है 32 साल में हमने हर समय कोर्ट की इज्जत की है, कोर्ट का जो हमने सम्मान रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट हमें जो है क्या इस तरीके का जो हमारे ऊपर जो है क्या कोई गलत एक्शन करेगा, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है कुछ इसमें, अगर गलती है भी कुछ कहीं पर भी, चाहे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की है या डीलर की है या बिल्डर की है, तो ये उनको आपस में सुलझाना चाहिए। हम क्यों मरेंगे इसमें? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, इस समय जो आप इसको पर्सनली इंटरवेंशन कीजिए, नहीं तो हम नेशनल हाईवे को जो ब्लॉक करेंगे जिसमें भारत सरकार को संभालने के लिए मुश्किल होगा।